After Ishwish, I got offered around 40 to 50 films in the first week of release. ये बॉम्बे और दिल्ली के बीच में जो राइवलरी है ना बहुत ही ओवररेटेड है. I love Bombay, I love Delhi also. For the record, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, फोन मैंने किया था सर को और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उठाएंगे. आप में एरोगेंस आ गई थी कभी? जी आ गई थी. शादी करने में हेजिटेशन हुआ था कि कभी यार फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी? मैं पीछे पड़ गया था. दिखाना ही पड़ेगा इसमें क्या. विशाल मल्होत्रा. He needs no introduction at all. So I'm just gonna start. taken your life and your passion and shown it to so many people aur itne logo ke sath ye resonate hota hai, log ise dekhte hain. Main aapke comments bhi padhta hu by the way, main itna aapko stalk kar raha hu, but lots of love your way and thank you for having me here. You read my comments also? I do, not the ones you write, the ones that are written in your videos. Yaar ye to matlab main phone, guys, साइको अलर्ट. मैं जाकर किसी के फोन चुरा कर उनके कमेंट्स या मैसेजेस नहीं पढ़ता हूँ. मैं वैसा इंसान नहीं हूँ. ऑलराइट, इनके जो वीडियोस हैं उन पर जो बहुत सारे खूबसूरत कमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ. और थोड़े जो ट्रोल वाले आते हैं वो भी आप पढ़ते हो. मुझे जो मुझे मिलते हैं ना जो ट्रोलिंग, मुझे बहुत मजा आता है. एनीवे, दैट कैन गो ऑन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई कांट इवन से यू आर वेलकम. I think okay, only... I'll leave the. Okay. No, you're welcome. I don't like being where I'm not welcome. You're absolutely welcome. अभी आपको वो गाना गाना पड़ेगा. कौन सा? वो welcome film का. कौन सा वाला? वो welcome का title track. अरे नहीं भैया. चलो चलो. Nobody has heard you sing. Do you want to hear Alina sing? Write down in the comments right. Nobody would want to sing that. Okay, come on. 1, 2, 3. No, I can sing you some other. No, no. आपको welcome गाना गाना पड़ेगा. I'll give you the tune. Okay. तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ ना इसमें. अच्छा आप मुझे, अच्छा जैसे कौन है गेस्ट यहाँ पे? आप सबको कंफ्यूज कर दिया. आई प्रॉमिस यू, सब देख रहे होंगे क्या किसका चैनल देख रहा हूँ मैं. जानती हूँ और बहुत ही चार्मिंग कैरेक्टर था इनका शो पे. उसके बाद भी इन्होंने टीवी में काफी कुछ किया, फिर इन्होंने बॉलीवुड में भी धूम मचाई. और गॉड, वो डायलॉग मुझे आज भी याद है, छोड़ूंगा तो बांस आए. वो एक्सटेम्पो डायलॉग था. और किरण कोठियाल थे उसके राइटर, केन घोष थे डायरेक्टर. इश्कविश था फिल्म का नाम जी. मेरी पहली फिल्म थी, मेरा किरदार का नाम था मैम्बो. और वो मैं एक्चुअली डायलॉग भूल गया था उस फिल्म में. उस दो सीन्स में मैं डायलॉग भूल गया था और वो दोनों जो डायलॉग्स निकले वो जाकर लोगों को बहुत याद है. एक तो ये है कि छोड़ूंगा तो बांस आए, और दूसरी ये है कि इंट्रोडक्शन सीन में मैं कहता हूँ कि शाहिद को कहता हूँ कि राजीव भाई क्या इंसान नहीं होती है, और वो डायलॉग कुछ और ही था और ये कुछ और ही लग गया. बट लाइफ इज लाइक दैट राइट अलीना? यस, यू कांट प्लान इट सो वेल. आपने जो भी रोल्स निभाए हैं कहीं लगता ही नहीं आप एक्टिंग कर रहे हो. मतलब दैट्स द बेस्ट पार्ट. रियली यू इट्स सो द वे यू पुल इट ऑफ, इट्स सो ग्रेट. थैंक यू. आई मीन यू आर दैट पर्सन इन दैट रोल. Yeah, I mean, I try to own that character. I try to make people believe that film dekhne ke baad, I hope they enjoy the character, number one. And yaar, ye role to koi aur kar hi nahi sakta tha. Exactly. Wo feel I'd like to, so I try. Kabhi kabhi ho jata hai, kabhi kabhi nahi hota.
कोशिश तो जारी हो जाता है आज भी जारी। मुझे लगता है हमेशा ही हो जाता है। आपने बोल दिया तो बोल दिया। चलो डन। तो मैं आपसे एक्चुअली पहला सवाल ही मेरा इश्क विश से रिलेटेड था। आपका जो फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक था। चीयर्स 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 चीयर्स। फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक, पहली बात तो ये हुआ कैसे? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अब मैं पोल खोल दूंगी। नहीं नहीं, पोल मत खोल। तो फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक, तो तब तक मैं ऑलरेडी टेलीविजन कर रहा था, एस्टैब्लिश हो गया था, हिप हिप हुर्रे, डिज्नी के बहुत सारे शोज, विक्की और बेताल, ये सारे जो शोज थे और बहुत सारे एड फिल्म्स, तो मैं एस्टैब्लिश हो गया था स्मॉल स्क्रीन पर। और उस टाइम मैंने एक ब्रांड का शूट किया था, उस ब्रांड का नाम था फ्रेशिया, और केन घोष जो है वो, उन्होंने वो एड देखा था, उन्होंने कहा हमारे डायरेक्टर इश्विश के, उन्होंने कहा कि यार आई वॉन्ट दिस गाय फॉर दिस रोल, और दैट्स हाउ ही गॉट इन टच विद मी। एंड बकायदा एमटीवी के साथ हमने एक पूरा एक हंट किया, जहाँ पर लोगों ने एप्लीकेशन दी उस फिल्म्स के लिए, और शॉर्टलिस्ट होकर जो शॉर्टलिस्ट हुए उनके ऑडिशंस हुए, फिर फाइनलाइजेशन हुआ, फिर हमारा वर्कशॉप हुआ। तो फॉर्मल कहानी ये है, असली कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ऑल द क्रेडिट ऑफ माई फिल्म लाइफ हैज टू गो टू माई फादर। यस, happy father's day, belated, abhi to kya belated, happy yeah. father's yes, day yes. to you too, you have a lovely daughter. Oh yes, I have a 9-year-old beautiful daughter, Vedika. And Vedika, nice name. Yeah. Nice name, who yeah. kept the name? I think main hi credit lunga uska. Okay, bas itne mein chhod dete hain, ye chhod dete hain, ghar jana hai wapas, ghar bhi jana hai. So that's how I got my first film. और उसके बाद आपको लगता है आपकी जो करियर की ट्रेजेक्टरी है और लाइफ की ट्रेजेक्टरी है वो चेंज हुई है उसके बाद? कुछ आपको लगा फर्क आया? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए, हर सक्सेस के बाद हर जो इंसान है, हर जो चीज है, जो वो उस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के साथ जो है जुड़ता है, उसे सक्सेस मिलता ही है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। आई वॉज एट द राइट प्लेस इन द राइट फिल्म एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट वर्क इन द राइट रोल। तो डेस्टिनी हैड इट इन अ वे। और उसके बाद दे दरादन दे फिल्म्स आने लगी। हाँ। तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, एंड होस्टिंग में आपने कितने अच्छे खासे झंडे लगाए। होस्टिंग स्टार्ट हो गया था, यू नो, डिज्नी के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो वो होस्टिंग से ही स्टार्ट किया था। और फिर जाकर वो जो बड़े बड़े एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, IPL, हाँ। जो बड़े बड़े रियलिटी शोज हैं, फिर वो आने लगे धीरे धीरे। और आज तक विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे नो लुकिंग बैक। एंड यू हैव अ वेरी कैरिस्मेटिक personality. That's you. देखिए मैं क्या करता हूँ ना कि I make sure that I absorb and reflect the other person's personality. So Alina out here has a very dynamic personality, and that मैं आपको कह रहा था off the record, which I'd like to state on the record, that the eyes never lie. That's why, that's one of the biggest thing. Of course आपका जो content है, आपका way of presentation है, the way you articulate everything in your English education aspects. All that is par excellence, all that is superb. But अगर आपका जो soul है वो beautiful और true नहीं है, nothing is going to happen. And आपका soul कहाँ से reflect होता है? आपकी आँखों से. और आपकी आँखें सब बताती हैं और सब देखते हैं. Thank you. आप बहुत अच्छा बोलते हो यार. आपसे सीखा है. यहाँ पर आने से पहले मैंने इनका कम से कम मतलब 3 दिन non-stop content absorb किया और बहुत कुछ सीखा, तो मैं ऐसे prepared होकर आता हूँ. मुझे नहीं पता है ये बात, बाय द वे, फॉर द रिकॉर्ड, हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये मेरे वीडियोस देख रहा है पिछले 3 दिन से इतने ज्यादा. 3 दिन से क्या, मैं तो कब से देख रहा हूँ आपके वीडियोस, मैं तो ब्रश अप कर रहा था पिछले 3 दिन. सो फैक्ट है. अच्छा, ये और लोग भी हंस रहे हैं. कौन हंस रहा है? वो देखो कौन है. ये आप क्यों हंस रहे हैं? आपको तो हंसना नहीं चाहिए, आप तो इनके हस्बैंड हैं. मत हंसिए, मुझे तो घर जाकर मार पिटेगी आपको, तो यहीं पर पिटने वाली है. शाहिद कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ इज ही एज अ पर्सन? आपने उनके साथ काम किया है तो आप ज्यादा उनके अंदर कैसे वो इंसान है, कितना कन्वीनियंट था उनके साथ काम करना, ये सब? See, every person comes with their own personality. Everybody has their own comforts and हर इंसान के प्लसेस होते हैं, माइनसेस होते हैं. तो वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं. और जो माहौल था हमेशा मस्ती का ही था. हमारी पहली फिल्म थी, हम एक बहुत ही बड़े दुनिया में घुस रहे थे और हमें मालूम नहीं था. और जब हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट गई तो हमारी और गाने भी, और आप तो जानते हैं वो कितने अच्छे डांसर हैं. ओह यस.
तो उस दिन जब हमारी दुनिया बदल गई रिलीज के दिन जी. तो ऑफ कोर्स हमारी हमें लगा एक दो हफ्ते तो लगे एडजस्ट करने में कि क्या हुआ है. फिर उसके बाद यू नो माहौल भी जो है एनवायरनमेंट भी है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग योर पर्सनालिटी फॉर द नेक्स्ट डे राइट. सो इट इज हाउ यू टेक इट. So in that sense, it's always been a pleasant experience. हमने दो फिल्म किए हैं साथ में. सब समझते हैं कि हमने पता नहीं कितने 15-20 फिल्म किए हैं साथ में, लेकिन हमने सिर्फ दो ही फिल्म किए हैं. एक था इश्क-विश्क और एक थी किस्मत कनेक्शन. ओके, एक जगह मैंने पढ़ा आप ही के शब्दों में कि आप में एरोगेंस आ गई थी कभी. जी आ गई थी. वो कैसे हुआ? और वो एरोगेंस फील कैसे हुआ कि आ गई है? हाँ, तो वो एरोगेंस वॉज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एरोगेंस. It wasn't कि मैं arrogant person बन गया हूँ. वो नहीं था. मैं अपने प्रति और अपने craft के प्रति arrogant बन गया था. उसका मतलब ये है कि arrogance is another word for complacency, laziness. Oh, very well defined by the way. Yeah, it is. It is the worst bad word that I can give myself. कि मैं complacent और arrogant बन गया था. क्योंकि सब चीज आसानी से आ रही थी. मेरे पहले project से लेकर God grace अभी तक, लेकिन एक पैच था जहां पर 10-15 साल के लिए हर जो काम मैं कर रहा था वो सुपर डुपर डुपर हिट जा रही थी राइट. एंड आई से दिस आउट ऑफ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी. नहीं नहीं, लेकिन जब ये होता रहता है जैसे कि मैंने कहा यू समवेयर लूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये कितना मुश्किल है करने के लिए. तो आपके लिए तो ये एक नॉर्मल जिंदगी है. क्योंकि दिन रात मैं सिर्फ एक स्टूडियो में रहता था. मैं सुबह 7 बजे निकलता था काम के लिए, रात में करीबन 1-1.5 बजे तक घर आता था. और जो जिन लोगों से मैं मिलता था वो थे मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. मैं अपने पेरेंट्स से मिलता था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता था और अपने एक दो दोस्त से मिलता था. तो जो एक सर्कल था वो बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही स्मॉल सर्कल था, आइसोलेटेड सर्कल था. मुझे पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में एक्चुअली हो रहा क्या है. You might find this surprising, but seriously, Alina, I was shooting every day for around 10 to 12 years. और मुझे छुट्टियां जब मिलती थी, एक दो दिन की मिलती थी, और पहले दिन तो मैं सोता था, of course. और फिर रात को पार्टी करता था अपने दोस्तों के साथ, और फिर दूसरे दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहता था, और फिर मैं वापस शूट पे जाता था. तो I really didn't know बहुत सारी चीजें जो हो रही थी दुनिया में towards me, मेरे पर. मतलब मैं जानता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है और क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने प्रति जो लोगों का मैंने क्या उन पर इम्पैक्ट किया है, किया या नहीं किया है, वो मेरे प्रति क्या सोचते हैं, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था. तो मुझे एक्चुअली सरप्राइज हुआ था जब 10-12 साल के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट डिले हो गया था. तो मुझे एक महीना ऐसे मिल गया, और उस वक्त लोगों से जब मुझे अटेंशन मिलता था दो फोटोग्राफ्स के लिए आते थे ऑटोग्राफ्स, और जो रेस्टोरेंट में मैं जाता था वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट, लड़कियों से मुझे अटेंशन मिलती थी, मैं बहुत खुश हो गया था. आज भी होता लेकिन ये सब जो चीज है ऑनेस्टली इट वाज अ शॉक टू मी कि इट वाज दैट बिकॉज आई डिडंट नो बेटर. आई न्यू दैट देयर इज एन इंपैक्ट बट आई डिडंट नो द मैग्निट्यूड ऑफ इट. यस, the arrogance and the complacency came when I thought ki yahi to hoti hai zindagi, iske liye extra preparation karne ki zarurat hi nahi hoti, mujhe to pata hi nahi tha. It was naive on my part and that cost me. What did it cost you? It cost that I wanted to explore new avenues as a performer. Yeah, I didn't only want to do one type of roles. I wanted to be considered कि मैं बहुत ही डाइवर्स रोल्स एक्सपेरिमेंट करूं, नेगेटिव पॉजिटिव बट डिफरेंट. और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही नहीं थी. तो वो क्यों नहीं मिल रही थी? देर आर वेरियस रीजन. वन इज दैट देर अ कमर्शियल रीजन टू इट. अगर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म टेलीविजन इज अ कॉमर्स, इट्स अ बिजनेस, मनी बेस्ड. तो अगर एक प्रोडक्ट जो हम एक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट अगर अच्छा कर रहा है, व्हाई फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन. सो अगर विशाल इस कैरेक्टर में और इस कैरेक्टर के आसपास अच्छा कर रहा है और हमें रोमांटिक बॉय जो भी है, थैंक यू, तो वो व्हाई नॉट राइट. तो व्हाई शुड वी टेक हिम आउट ऑफ दैट बॉक्स एंड पुट हिम इन अनदर बॉक्स जहां पर वो एक साइकोटिक
सीरियल किलर बट पर्सनली यू वॉन्ट आई वुड लव टू एंड आई सी दैट सिमिलैरिटी इन अ फ्यू पीपल एंड आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट दैट एंड आई सी दैट इन यू एंड आई टेल यू दैट बाय एग्जाम्पल अलीना आई टेल यू वाई यू स्टार्टेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जी यू वर्क्ड इन अ कॉर्पोरेट जी यू वर्क फॉर 2 to 3 years जी एंड टुडे यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स सोशल मीडिया इम्पैक्टर्स इन द वर्ल्ड राइट एंड आई से इन द वर्ल्ड बिकॉज वी कैन नॉट कॉल इंडिया नॉट द वर्ल्ड बिकॉज वी आर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड राइट एंड नोबडी कैन स्टॉप अस सो आपने वो रिस्क लिया है लेकिन आप भी ग्रो करना चाहती हैं जी मैं भी ग्रो करना चाहता हूं चाहता था जी लेकिन कभी कभी मेरे लाइन में उस वक्त और अभी भी फिल्म और टेलीविजन में इट्स नॉट अ सोलो डिसीजन इट्स अ डिसीजन ऑफ मल्टीपल पीपल यस एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन देम अ लॉट ऑल्सो इन योर केस यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ यू टेक द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स यस इन दैट आई हैव टू सो लॉन्ग आंसर टू अ शॉर्ट क्वेश्चन बट एरोगेंस एंड कंप्लेसेंसी उस तौर से मैंने कहा था एंड आई स्टिक बाय इट एंड आई लर्न्ड माय लेसन तो व्हेन यू लर्न्ड योर लेसन व्हाट हैज चेंज्ड मच मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माय क्राफ्ट आई स्टार्टेड लर्निंग मोर आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू लर्न मोर अबाउट माय क्राफ्ट पहले तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर खुद से पूछा कि क्या मैं एक्चुअली एक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ चांस से आ गया और मैं चांस से सक्सेसफुल हो गया बट डू आई रियली डिजर्व इट डू आई रियली वॉन्ट टू डू दिस एंड दैट इज द क्वेस्ट दैट आई वेंट इनटू सो आई डिड इट बाय स्टडिंग अ लॉट ऑफ फिल्म वॉचिंग अ लॉट ऑफ शोज लॉट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हमारे देश में ही इतना सारा कल्चर है कि आप उसमें ही खो जाओगे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है एंड देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग I started going, I wanted to see if I wanted to work as a director. You know, I started holding that. But then I stuck to one thing, ki yaar, mujhe grow karna hai. Aur grow karna hai, toh mujhe diversify karna hai. Aur uske liye thodi si, you need a little stubbornness. Ki, bhai, thank you for these lovely offers. Jahan par you've reached a position where you're getting the best films, best production, and a lot of money. Yeah. Like you were getting. Right? And you can tell me and your audience, ki, पैसों की अहमियत और टेम्पटेशन क्या होती है सो टू से नो टू दैट सबसे आसान तरीका जिंदगी बदलने का है बट सबसे मुश्किल भी है बहुत जल्दी फिसल सकते हो आप हाँ और बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं वी आर अ फ्यू लकी पीपल जो नहीं फिसले राइट हमने चांस लिया हमने अपना पैशन फॉलो किया सॉरी मैम स्पीकिंग फॉर यू इज दैट ओके आई कोरिलेट दैट क्योंकि यू चेंज योर प्रोफेशन जब आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे थे और वो तो करियर ग्राफ आपके पैसों के साथ तो वो तो बढ़ता ही बढ़ता जी बट यू वुडंट बी हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर नो सो समटाइम्स यू हैव टू टेक दैट बैलेंस इन योर लाइफ तो मैंने चेंजेस ऐसे किए आई गॉट अ लॉट मोर सीरियस अबाउट माय ओन बिलीव्स कि मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ एंड द आंसर वाज अ रेजोनेटिंग यस और तब से लेकर आज तक आई एम एन एब्सोल्यूट हसलर I will read any script. I will take every offer seriously. I will attempt the most uncomfortable roles. And even if I have to sit at home, I will. But I will only go to a set un roles ke liye where I want to wake up and go where I don't even sleep. I'm that excited. And I'm happy to say that I'm doing that now. And very few people can say that about their work. True, very true actually. Very few. Smallest of the small fraction you can imagine. Because कितना मुश्किल है ऐसा काम ढूंढ पाना जिसमें मन लगे और उसमें आप कैरी ऑन कर पा रहे हो और आज भी इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हो और आज भी इतना एक्साइटेड साउंड कर रहे हो कि आपकी आवाज बदल गई जब आप उसके बारे में बात मैं स्क्वीक करता हूं ना थोड़ा सा वो हाई टोन हो जाता है ना थोड़ा वो एक्साइटमेंट आता है कोई इमोशन आता है ना गले में सही बोल रहा बट रियली आई एम सो इन लव विद व्हाट आई डू राइट नाउ आई एम सो एक्साइटेड लाइक आई एम एक्साइटेड राइट नाउ वेरी हैप्पी फॉर यू नो थैंक यू एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट बीइंग हियर राइट नाउ बिकॉज़ आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ठीक दैट इज माय हैप्पी प्लेस वाओ बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके
जो इतना पैशनेटली फील करते हैं अपने काम के बारे में, क्योंकि जब आप इतना पैशनेटली फील करते हो ना, तभी आप उसको 100% दे सकते हो. और हर प्रोफेशन में स्ट्रेंथ होती है कुछ ऐड करने की दूसरे लोगों की लाइफ में. बाय एंटरटेनिंग एवरीवन, यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स. थैंक यू. लाइक यू आर, क्योंकि यू नो इट्स नॉट इजी. स्पेशली आई वुड से यू नो पहले बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर एडी, बीसी और एडी होता था जी. अब है बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, राइट? ऑनेस्टली एंड माहौल बहुत बदल चुका है. बहुत लोगों को एक रियलिटी स्लैप कर ली है फेस पर. लोगों की सच्चाई बहुत जितनी आज क्लैरिटी के साथ बाहर पहले कभी नहीं थी. एंड आई थिंक पीपल नीड दैट, जस्ट दैट कामिंग अ लिटिल बिट. एंड आई फील दैट वी प्रोवाइड दैट, राइट? बिकॉज पीपल चूज टू कम टू योर चैनल, पीपल चूज दैट, राइट? सो दैट इज दैट्स ब्रिलियंट. यस, यू चोज दैट. आई चोज इट. आई चोज टू And watch and subscribe. Of course, I. So even you watch and subscribe Alina's channel, right away. Of course, I asked you, but saying the yes was a choice. I was very excited. I was very excited. I think that is very clear. अब मान गए जल्दी, मेरे लिए बहुत आसान हो गया. मैं तो अच्छा ये बॉम्बे आई थी. मैंने सोचा कि वहाँ पर मुलाकात करेंगे. तो हमने जब बात की थी, मैंने बोला यार बॉम्बे का क्या हुआ? So I found a little surprise in her voice. Okay. This guy's really keen to come on my, and I am. Of course I am. मेरा गला बहुत खराब था उस टाइम पे. I could. ये हमारे बम्बई की वजह से नहीं है, please. नहीं, बिल्कुल नहीं. वो दिल्ली काफी है. हाँ, वो दिल्ली काफी है. But I love Delhi. Yes, me too. I really do. Me too. ये बॉम्बे और दिल्ली के बीच में जो rivalry है ना, बहुत ही overrated है. I love Bombay. I love Delhi also. I love Chandigarh. I love the North actually. Love it. And South is equally good. Yeah, right? But I haven't had the opportunity to explore it so much. आपका काम, आपको छुट्टी मिल पाती है? Do you travel? I travel a lot with my work. और family के साथ जब छुट्टियाँ होती हैं मेरी बेटी की, तो वो जैसे अब मैं शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर फरीदाबाद में, तो मेरी बेटी मेरे साथ आ गई है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो there's no best of both worlds है. शादी करने में हेजिटेशन हुआ था? कभी नहीं. मैं पीछे पड़ गया था. मैं पीछे पड़ गया था अपनी वाइफ के कि प्लीज मुझसे शादी कर लो प्लीज. वो शी वाज वन ऑफ द गर्ल्स हु मेड मी रन आफ्टर हर सो मच. सो आई थैंक हर विद ऑल माय हार्ट. एंड यू आर हैप्पी. ये तो बोलना पड़ेगा ना कैमरा पे. बोलना पड़ेगा, चुपके से बता दो. या या, क्यों भाई है ना. सो या हर पिक. ये कैसे हुआ? मुझे फोन आया एक दिन, मैं शूटिंग कर रहा था एक शो के लिए. बिग ब्रांड, ह्यूज ब्रांड. आई एम सो हैप्पी दैट. उनके एड्स भी कुछ अलग ही टाइप के होते हैं. हां, वैन लेके घूम रहे होते हैं और ट्रक लेके घूम रहे. हां नहीं, वो वाले मैंने नहीं किए, लेकिन हार्पिक मैं शूटिंग कर रहा था एक शो के लिए जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे जी. और वो मुझे याद भी है एक सीक्वेंस था कि शादी का सीक्वेंस है और मैं दूल्हा बन के बैठा हूँ और वो जो होते हैं ना टिपिकल जो चेयर्स होते हैं दूल्हा दूल्हे के, जो सिंहासन. हाँ, तो मैं अपने पूरे शेरवानी में बैठा था, शॉट के बीच में था, थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, कूलर ऑन था, मुझे जाना नहीं था अपने वैरायटी में. मैं बैठा था और फोन बजा, तो मैंने बोला हाँ जी बोला और ये ऑफर हुआ मुझे. तो शेरवानी में नाचने लगे आप? नहीं, मेरा पहला इंस्टिंक्ट था सोच, इसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ. तो फिर सोच विचार करके आई वाज सो हैप्पी कि I agreed to do it and I would say the rest is history. हमने बहुत ही अच्छा लंबा 6-7 साल का एक लंबा relationship, successful relationship एक दूसरे के साथ निभाया. और and people remember it, they talk about it. Yeah, of course. You see, I think आपने ये देखा होगा, मैंने mention किया है, but I'll just repeat it for your audience कि one of the best things and one of the biggest reasons कि मैंने Harpic brand select किया, because अगर आप उनका ad देखते हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस है कि मैं जाकर घंटी बजाता हूँ और जो लेडी ऑफ द हाउस है वो दरवाजा खोलती है और वो कहती है हाय विशाल. तो वो एक ब्रांडिंग हो गई, क्योंकि उसके पहले जो था ज्यादातर लोग मुझे अपने कैरेक्टर नेम से जानते थे. जी, मैम्बो, जॉन, बेताल, अरे वो डिज्नी वाला, अरे ये किस्मत कनेक्शन, अरे जन्नत, ऑल दीज थिंग्स. लेकिन विशाल नाम जो था उस एक्टर का, वो आई थिंक 20% ऑफ द पीपल एज कम्पेयर टू 100%. लेकिन जैसे ये जो एड था, इसका स्क्रिप्ट जो था, तो 6-7 साल के लिए नॉन स्टॉप, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रीरन एड ऑन टेलीविजन. इट इज, राइट? आज के टिकटॉक वाले जमाने में जहां पर हमारा जो रिटेनरशिप है, रिटेंशन है, माइंड का जो फोकस है वो कुछ सेकेंड्स के लिए होता है,
to be around him for 28 years and to be remembered very clearly is something which I'm so thankful for. So chahe wo Harpic ke liye ho, Jannat ke liye ho, Mambo ke liye ho, Hippipuri ke liye ho, Vital ke liye ho, Disney ke liye ho, jo bhi ho. My point is that hai. So I'm very very happy about that and grateful. Ek sawal poochti hu. Ab dekhti hu aap kitna honestly iska jawab dete ho. Who are the people in the industry that you love and the people you hate? I love like names that I love. Ritesh Deshmukh, I love. Yes. Imran Hashmi. Yeah. I love Farah Khan. I love Anu Malik. Yeah. I love Ken Ghosh. I can love a lot of other people also, but I really love these guys. They've been very integral in my life. I love Nagesh Kokanur. I love these guys for their work they've done and the person and the professionalism also. I hate, as I told you, you know, professional and personal life, sometimes I make sure that they don't blend. Because you shouldn't. But I dislike a few people. Obviously, out of respect, I will not say their name, Serena. That's all. I just will not. But I dislike them for the reasons that they are disrespectful at times. Mm. They're disrespectful of my time. Okay. They're disrespectful of my colleagues' work. History. They they are disrespectful of things that they shouldn't be, and unka ek hierarchical, ek old school thought hota tha ki main ye hoon to mere samne ye sab, lekin wo bahut kam ho gaya hai hamari industry mein. So I dislike people like that in general. I like people who respect each other because I respect a lot of people. Has the industry changed tremendously for the good? More for the good. Huh? More for, look, good and bad, but more for the good. Okay. Yeah, much more professional. Ease of environment of work बहुत ज़्यादा हो गया है. आपको पता है हिप हॉपरी के वक्त हम जब ब्रेक लेते थे, हम 12 जो बच्चे थे उस टाइम, जो स्टूडेंट्स थे, हमें क्लासरूम में ब्रेक में जो पेटियां होती है ना, वो स्टील की पेटियां जहां पर कपड़े डालते हैं शूटिंग के वगैरह, मेकअप का सामान, हम उस पर सोते थे, रेस्ट करते थे. अब तो हमारे पास एसी वैन्स होती हैं. नो मैटर व्हाट stage you are in your career, right? It's not only if you're the lead or the thing, लेकिन सबके लिए एक environment होता है. अब जो unions हैं वो बहुत ही supportive हैं, उनका power ज़्यादा हो गया है. Scripts have become better, technicians have become better, equipment has become better, conditions have become better. How do you prepare for your character? Like, do you lock yourself up? I'm not a method actor. No. Alina, I'm not. मैं method acting नहीं करता हूँ. When I'm narrated and offered a role, and when the director, I don't like to read. I like it when somebody narrates the film to me. So when somebody wants to offer me a film, I request that the writer comes. Okay. And then I'm a little difficult, but I like it that the writer narrates the film thrice to me. Achha. Because the first time, agar mujhe chahun, main chahun ya na chahun, main wo film apne character ke perspective se hi dekhta hun, which is not right. फिर जब मैं दूसरे टाइम देखता हूँ तो थोड़ा न्यूट्रलिटी आ जाता है, और जो तीसरा वक्त जो होता है तब मैं एक ऑडियंस के पॉइंट से देख सकता हूँ. तो आई लाइक इट उस तक, और उस वक्त मैं अब्सॉर्ब कर लेता हूँ. ये मैंने नई चीज सीखी अभी, अच्छा बोला. हाँ, नहीं मतलब यही है, एंड लकली आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि यही कब से वो चल रहा है, तो एक आदत से हो गई. ये आप सही कह रहे हो कि जब आप पहली बार कोई स्टोरी सुनोगे, आप सबसे पहले अपने आप को ढूंढोगे. जब मैं पहली बार अपना अपनी फिल्म देखता हूँ ट्रायल शो में, या जब अपना प्रोजेक्ट कोई देखता हूँ, तो मैं जितना भी चाहूँ मैं अपने आप को ही देखता हूँ. आप देखते हो अपनी फाइनल प्रोडक्ट? देखते हो? ओ, हाँ. मतलब नहीं देखते ना? हाँ, क्योंकि मैं इतना शौक हो गया था मेरी फर्स्ट फिल्म से. मैं ये कर सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो. मेरे से तो सबसे कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ी सी यार, की बहुत वाह यार, ठीक ठाक लग रहा है, ये आदमी ठीक ठाक कर लेता है. तो यू नो, बड़े महारथियों के साथ मैं कर रहा हूँ काम, और है मतलब देख रहे हैं लोग, पहचान रहे हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आता है. You are a very supportive friend, and मतलब you know what you were, you've done the movie, but your मैं सुन रहा था आपके पर्सपेक्टिव से क्या रोल था मैम्बो का. मैं बताती हूँ, a very supportive friend, very honest, और बुरे वक्त में ये नहीं कि छोड़ के चल दिया. हाँ. तो ये जो रोल्स थे ना, मुझे बहुत ऑफर हो गया. Yeah, after Ishqvish, I got offered around 40 to 50 films in the first week of release. Oh. शायद, और मुझे साथ में कुछ 30-40 films मिले.
कि तो जो फॉर्मूला है वो छापते रहते हैं लोग. तो टर्न डाउन करना तो बहुत डिफिकल्ट. वही तो मैं कह रहा हूँ, टर्न डाउन करना बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे कुछ और करना था. लेकिन इट टुक टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन ये जो गुड फ्रेंड, सपोर्टिव, बीइंग अ नाइस पर्सन आर ग्रेट ह्यूमन कैरेक्टर्स, बट दिस बिकम्स वेरी वाइट शेडेड अगेन एंड अगेन टू एन ऑडियंस. ऑडियंस को एक ब्लैक वाइट के साथ चाहिए चाहिए. तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अब जो मैं काम करता हूँ और जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसमें वो मल्टी डायमेंशनल उसके कलर्स हो कैरेक्टर की. क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हम जितना भी अपने आप को सोशल मीडिया में पोर्ट्रे करें और रियल लाइफ में पोर्ट्रे, बहुत फर्क होता है. आई मीन व्हेन वी स्लीप एट नाइट ऑन आवर ओन वी आर द मोस्ट ट्रूथफुल टू आवरसेल्व्स. यस, क्योंकि वी नो ईच अदर मोर देन प्रोबेबली आवर क्लोजेस्ट नो. व्हाट आवर डीपेस्ट थॉट्स आर, व्हाट आवर डीपेस्ट डिजायर्स आर. And they don't always have to be pure. But I guess that's what makes us human. So, I try to put that in my roles now. लेकिन यार वो ही कि लोग चाहते हैं कि वो मुझे एक sweet boy की तरह ही देखे और मैं पक गया हूँ. नहीं, but ऐसा सुना है मैंने कि negative roles करने में मजा ज़्यादा आता है. मैंने इतने किए नहीं है लेकिन हाँ जरूर होता होगा. है ना? What fun! अपना गंदा साइड दिखाने में रहा है के कैमरे पे. हाँ, बिल्कुल. आपको नहीं लगता? नहीं, मेरे को लगता है. बहुत बढ़िया है सच्ची में. जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो निकालने में या उस कैरेक्टर को किस मतलब हाँ. कभी कभी आप एक कैरेक्टर कर रहे हो कि आप इतना घुस जाते हो कि किस लेवल तक मैं ऐसे करूँ. सो हाउ डज अ यूजुअल डे ऑफ एन एक्टर लुक लाइक आपका? If I'm shooting, it starts at 6 o'clock in the morning. I like getting up early. I like getting in a workout. Okay. Finishing that and reaching set by 8:15, 8:30 is usually my call time. मुझे लगता है 15 मिनट से 16 मिनट exact getting ready में. I get ready unless कोई character है जैसे कि विक्की और वेताल में 3 घंटे लगते थे. तो that was a different thing. Like, लेकिन अगर ये है तो फिर 15-20 मिनट में तैयार हो जाता हूँ. फिर नॉर्मली हमारा जो शूट है 9 o'clock के शिफ्ट में 10-10:30 बजे तक शुरू हो जाता है फर्स्ट शॉट. सेटअप में भी टाइम लगता है. तो दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ लिटिल बिट ऑफ आई वोंट कॉल इट अ मेडिटेशन बट जस्ट अ शट आई विद ऑल द लाइट्स ऑफ वेयर आई आस्क गौरव टू सिट एंड रीड माय सीन टू मी 2-3 टाइम्स. अच्छा, ओके. इट जस्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, एक माहौल बन जाता है, एक विजुअलाइजेशन हो जाती है. फिर शूटिंग होती है, फिर खाना तो खाते हैं हम सब साथ में. वो तो मस्ती होती है सेट पर. हम सब डायरेक्टर एक्टर ज्यादातर सब खाने में मजा आता है, वो क्राफ्ट होता है. लेकिन हम सब कंसिस्टेंटली डाइट पे होते हैं तो हमें खाना भी जैसे स्कूल में होता था ना कि मम्मी को नहीं दिखाना तो किसी और को खाना देते तो वो मुझे करना पड़ता है टिफिन खाली. बाकी के दिन की शूटिंग रात को रैप अप हो जाता है. घर पहुंचते थक जाते हैं. And this goes on for 30 days a month? Yeah, mostly. How is it even possible for a human being to work this way? It becomes a part of your system. जब नहीं होता है तो मैं बहुत ही थोड़ा सा. लेकिन जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आजकल ज्यादातर जो हमारे शूट्स होते हैं वो आउट ऑफ बॉम्बे होते हैं. तो वो एटमोस्फेयर बदल जाता है. और आजकल क्या होता है कि स्टार्ट टू फिनिश चाहे आप एक सीरीज शूट कर रहे हैं OTT के लिए या चाहे आप फिल्म कर रहे हैं यूजली एक ही स्केड्यूल में खत्म हो जाता है. तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो जाती है. और अब मैं ये करता हूँ कि बिटवीन प्रोजेक्ट्स में कम से कम एक हफ्ता तो लेता हूँ, 1-10 दिन टू जस्ट गेट आउट ऑफ वन कैरेक्टर. या ऑफ कोर्स. एंड इट्स माय सेल्फिश मोटिव यार, आई वांट टू स्पेंड एज मच टाइम विद माय डॉटर. अट्रैक्शंस फील होते हैं को-स्टार्स के लिए? डेफिनेटली बट इट्स नॉट नेसेसरली फिजिकल. इट इज मोर टू डू विद अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है एक प्रोजेक्ट में और मैं 40 डेज के लिए उनके साथ रोमांस कर रहा हूँ तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट समवेयर एक टेम्पो बन जाता है. दैट डजंट मीन कि आफ्टर पैकअप यू कंटिन्यू योर रोमांस. बट डेफिनेटली मेरे साथ क्या होता है कि एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. यू कैन कॉल इट फ्रेंडशिप, यू कैन कॉल इट लाइक प्लेटोनिक होता है. और जो अट्रैक्शन होता है वो एक मेंटल लेवल पर ज्यादा हो जाता है. बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ज्यादातर होता है कि वो अट्रैक्शन लीड्स टू ऑफ स्क्रीन रोमांसेस आल्सो. या आपके साथ हुआ कभी ऐसे? नॉट व्हाइल आई वाज मैरिड, लेकिन उसके पहले. हाँ हाँ,
काफी बार अच्छा ये जो कई लोग फोटो वोटो खिंचाते होंगे हम भी खिंचाएंगे हम तो खींच रहे तीन कैमरा के साथ और कितना खींचे मुझे तो इरिटेटिंग हो जाता है या कभी नहीं कभी नहीं नहीं होता मैं फूका हूँ इसका मैं काम करता हूँ इसके लिए क्योंकि ये मेरी रिकॉग्निशन है मैं ये दिस प्रूव्स हाउ मच आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द वर्क दैट आई डू क्योंकि अगर मैं 80% ऑफ माई लाइफ कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ एंटरटेन कर रहा हूँ ऑडियंस को तो उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं गॉड फॉरबिड अगर अचानक मुझे 10 लोगों में से किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया किसी ने फोटोग्राफ नहीं पूछा किसी ने ऑटोग्राफ नहीं पूछा किसी ने बोला नहीं कि आ तो बुरा मुझे लगेगा Yes. And one of my determinations and my motivations to keep going on is to create this legacy. Money becomes secondary after a time. Yes, I agree. This is your legacy. And that is very, very important. तो अगर मेरे हिसाब से अगर कोई आपसे कह रहा है कि यार नहीं मैं doesn't make a difference to me, वो झूठ बोल रहा है ये बोल रही है. Because it's an integral part of your work that you're involved. I promise you I'll be honest. Yes. Yes. I hope I've been honest so far. You've been. You wouldn't know. sorry. That's also true. How would I know you're an actor and not a good one? Just joking. I'm pulling your leg. I am being honest. नहीं वो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है honestly. हाँ मैं हूँ. Okay, moving on. TVs versus movies. TV versus movies. आपके हिसाब से as an actor. What do you prefer? Where do you think दोनों में क्या difference है? आपका point of view क्या है इनको लेके? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि movies को ज़्यादा मतलब TV को downplay करते हैं movies के आगे. आपका क्या point of view है इसको लेके? Okay, so अगर आप मुझसे ये सवाल कुछ 5-7 साल पहले पूछते, तो मैं कहता कि it doesn't make a difference. Today also I'll say it doesn't make a difference from an actor's point of view. क्योंकि मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ चाहे मैं इस कैमरा के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ मैं एक फिल्म कैमरा के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं एक HD कैमरा के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ जो शूट कर रहा है टेलीविजन में दिखाने के लिए चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या स्टार टीवी हो जो भी एज एन एक्टर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ सो एज एन एक्टर दैट नेवर मेक्स अ डिफरेंस बट In today's day and age, I prefer to work for the small screen. Oh. Yeah. Surprise? Okay. Yeah. Yeah. And I'll tell you why. And I'm not only talking about small screen. I'm talking about content like this. Okay. I believe that this is the future. I feel ye evolution. I feel aaj films ek event ban gaya hai. Haan. Aap bade film, Spider-Man, Iron Man. सुपरमैन जो भी हाँ ये सब जो अगर आप यू नो जब आप वो प्रोजेक्ट करोगे तब जाकर मैं 1,000-2,000 रुपए अपनी फैमिली के साथ पेट्रोल पार्किंग पॉपकॉर्न टिकट्स में जाकर दूंगा और देखूंगा और एंजॉय करूंगा और बहुत क्रिटिकल होऊंगा क्योंकि आपने मेरे इतने पैसे लिए हैं और मैंने इतना एफर्ट किया है लेकिन विद द ऑनसेट ऑफ OTT आपके जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं हॉटस्टार नेटफ्लिक्स अमेजॉन YouTube, Instagram. Yes. मैं घर पे बैठ रहा हूँ और जब मुझे चाहिए मैं इस कॉन्टेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ मुझे जिस पेस पे करना है 1 स्पीड 1.5 स्पीड 2 स्पीड मैं जब चाहे फॉरवर्ड कर सकता हूँ मैं जब चाहे 1,000 दूसरे कॉन्टेंट देख सकता हूँ जी एंड फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं जी मैं करता हूँ इसकी शूट ड्यूरेशन होती है 2 महीने ये आ जाता है और 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट पता लग जाता है फिल्म का प्रोसेस उसे पाना उसको परफॉर्म करना उसे एग्जीक्यूट करना फिर वो चलती है ना चलती है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है सो दिस इज अ लॉन्गर आंसर बट दिस इज द ट्रूथ दैट टुडे टेलीविजन गिव्स यू एब्सोल्यूट वैलिडेशन एंड रिजल्ट्स इमीडिएटली सो माई चॉइस इज एब्सोल्यूटली द स्मॉलर स्क्रीन एज कम्पेयर टू द लार्ज स्क्रीन यू आर राइट एक्चुअली इट्स बूमिंग It will continue. How crazy it is for a lot of influencers. Yeah. And I'm not talking about myself. I'm talking about many that we see on TV. Please tell everybody ki ek average high-end influencer hamari country mein kitne paise banata hai. Average. And let's talk about the average. Right?
average influencer. I think easily. बोल दो. 10 lakh. आराम से, right? आराम से. तो आप compare कर. मतलब. और अपने terms में काम करना. अपने terms. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत की बात नहीं है. देखिए creativity बहुत लगती है. You have to be articulate. You have to connect with the audience. वरना तो सब कर लेते हैं. हाँ. लेकिन point ये है कि 10-15 lakh रुपए एन एवरेज इन्फ्लुएंसर. जो महारथी आए हैं वो तो करोड़ों रुपए कमाते हैं हर महीने. 45 लाख 50 लाख महीने के मैंने मुंह से सुन रखा है. ये तो बहुत आप बहुत ही मतलब मैं पर्सनली मुझे मालूम है कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग. यस यस हैंड ऑन हार्ट. नो वॉइस एक्टिंग भी करी आपने? बहुत, आज भी करता हूँ. आपकी आवाज अच्छी है वैसे. थैंक यू. नहीं सच में. थैंक यू. इम्पैक्टफुल आवाज है. थैंक यू. इज इट आर्टिकुलेट? इट इज आर्टिकुलेट. आई लर्न दैट फ्रॉम. यस आई नो. आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्लैड दैट आई स्टार्टेड एट द राइट टाइम. या बट डू यू बिलीव दैट देयर इज अ राइट टाइम और दैट टाइम वेयर यू बिकम सक्सेसफुल यू लुक बैक एंड से वो राइट टाइम? एक्चुअली यू आर राइट. नहीं देयर इज नो राइट टाइम. देयर इज नो राइट टाइम. नो देयर इज नो राइट टाइम. मतलब एक वाइब होता है, एक फील होता है कि उस वक्त का कि आजकल ये चल रहा है, लेकिन फिर तो सब चल जाते हैं. हाँ. उस टाइम में. आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? नेक्स्ट इज अब इतना कुछ कर रैपिंग दिस लवली कॉन्वर्सेशन एंड हैविंग अ कॉफी एंड हैविंग. आई डोंट हैव अ सेकंड कप ऑफ कॉफी बट आई हैव चाय, मसाला चाय. कितनी कॉफी दे दी यार मुझे, इतना भर भर. अब एक काम, अब क्या हमें दिखाना ही पड़ेगा इसमें है क्या? लोग क्यूरियोसिटी में मरे जा रहे हो. अच्छा कॉफी खत्म होगी तो अंदर ऐसे वाइट नहीं दिखना चाहिए. क्यों? क्यों कॉफी खत्म हो गई? ऐसे मैं पीता हूँ कॉफी, मुझे इतना पसंद है. किसी को मुझे कॉफी पे इनवाइट करना है डेट पर तो मेक श्योर कि बिकॉज़ आई लव कॉफी है ना, तो मैंने कॉफी पी है. पता नहीं क्या कह रही है. इसके बाद मेरा प्लान ये है कि मैं I'm excited because I had a lovely conversation with you. जी. And I'm hoping that this is the beginning of a new friendship. It is. Because from my end, definitely. Oh, from my end too. Okay, husband, मुझे ऐसे देख रहे हैं कि कुछ नहीं दिख रहा वो. वो बहुत चिल है. हाँ बहुत चिल. क्योंकि I'll confess कि I'm at the stage in my life जहाँ पर मैं baggage छोड़ रहा हूँ. क्या होता है ना कि कभी-कभी जिंदगी जल्दी जाती है और लोग इकट्ठा होते जाते हैं साथ में साथ में साथ में, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पंख के नीचे जो हवा है ना वो होते हैं, दे हेल्प यू फ्लाई. लेकिन कैसे ऐसे लोग भी हो जाए तो पंख के ऊपर बैठ जाते हैं तो दे डोंट लेट यू फ्लाई. तो मैं वो पंख को थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ इस वक्त, और जो पंख के नीचे मेरे साथ, मैं उन्हें छाव दे सकता हूँ और वो मुझे हवा दे सकते हैं, मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ और उनके साथ जा रहा हूँ. तो आई होप कि अलीना दैट्स माई नेक्स्ट. सो आई एम building relationships and I hope that's my personal goal, and professionally I'm here to create a legacy. That's it. I think this was your best answer. Thank you. Out of all the asked मतलब बाकी के पत्थर नहीं ऐसा नहीं, best का मतलब होता है बहुत अच्छों में से ये सबसे अच्छा. बहुत जी. एंड ये आपने एग्जांपल अभी तो नहीं बनाया होगा पंख वाला, क्योंकि हाँ अभी अभी ये आ जाते हैं कभी कभी घंटी बजती है. आपने अभी बनाया? अभी अभी बनाया. Seriously. एक्टर हो पता कैसे चलेगा? पता नहीं पड़े, बिलीव मी दैट मैं बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हूं भाई. दिखता है थोपड़े पर द आईज. एंड ये फॉर द रिकॉर्ड मैं कंफर्म करना चाहती हूं, फोन मैंने किया था सर को और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये उठाएंगे. रियली? नहीं बट ओके फोन आपने किया था, थैंक यू कि आपने किया. बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच योर बैक. You are one of those people that I would love to just chat with, whether it's in front of the camera or not. Michelle, I really mean it. I really would want to meet with you again. 100%. Really would want to. आप बॉम्बे आइए, मैं तो दिल्ली आता रहता हूँ. मैं मुंबई आऊँगी तो मैं पक्का मिलूँगी आपसे. ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं गेस्ट के साथ? You scared me. He just threw a phone on me. क्योंकि हस्बैंड बहुत जेलस टाइप के हैं. Be careful, guys. Over and out. इस बार मैं भी चलूँगा. मैं भी आऊँगा देखना. Absolute pleasure, Shah, pleasure, thank pleasure. Thank you so and much. And listen, more power to you. I hope you do more in life. You know, you have a beautiful family,
and I hope you grow your family in the way that you want it. And God bless you. Just happiness. Thank you so much. I had lovely time speaking with you. You're one of the most amazing people I've met. Wow. Yes. Please send a message to... To? I'll tell you a list of a few people. Achha, theek hai. मुझे पहले से ही आपका जो कॉन्टेंट है आप मुझे बहुत पसंद थी और अब when I've actually met you, I like you more and I just wish so much good for you. All the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.